श्री हर कृष्ण ते आये, श्री हर कृष्ण ते आइए जिस जिठे सब कृष्ण। अठवीं गुरु नानक जोत गुरु हर कृष्ण साहिब सच्चे पातशाह बारे ये शब्द गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी रचनावां विच दर्ज किए हैं। सिख नेता प्रति अरदास करके इन्हां शब्दां नूं याद भी करता है। गुरु हर कृष्ण साहिब जी का प्रकाश 1656 गुरु हर राय साहिब जी के ग्रह विखे माता कृष्ण कौर जी की कुख तो होया अते अपने ज्योति जोत समाउण तो पहला 5 साल दे गुरु हर कृष्ण साहिब जी नूं अज दे दिन गुरता गद्दी बख्श दित्ती। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरु हर कृष्ण साहिब जी दे गुरता गद्दी दिवस के उत्ते इतिहासिक सांझ पा रही है। गुरु हर राय साहिब ने बाणी गुरु गुरु है बाणी दे सिद्धांत नूं सदा लई जीवित कर दिता। 1663 विच गुरु हर कृष्ण साहिब जी दिल्ली आउंदे हन, लेकिन दिल्ली आने तो पहला कुछ समा वह पंजोखड़ा जो अज हरियाणा विच उत्थे रुकते हैं। उत्थे पंडित लाल चंद कहते हैं आपने अपना नाम तो हर कृष्ण रख रहा है, क्या आप हर कृष्ण हो? तो गुरु हर कृष्ण साहब सच्चे पातशाह ने यही कहा कि आप मेरे पासों कोई बचन सुनना चाहते हो? उन्होंने कहा जी आप क्या गीता के श्लोक का अर्थ कर सकते हो? तो संगत ने यह कहा कि आप किसी को भी ले आओ। तो वह छज्जू चीवर जिहड़ा कि गूंगा सी उन्हूं लियांदा गया। तो गुरु हर कृष्ण साहिब जी ने उसके सिर पर एक हाथ रखिया और वो गीता के श्लोक पढ़न भी लग पाया तो ये अर्थ भी करन लग पाया और तन तन करन लगी संगत कि धन गुरु हर कृष्ण साहिब, धन गुरु हर कृष्ण साहिब। जो सतगुरु दिल्ली पहुँचते हैं अते राजा जय सिंह के बंगले विच रुकते हैं जिथे कि अज सतगुरों की याद का वह पवित्र स्थान जिथे गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप का प्रकाश है गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली विखे राजे की राणी दासियों में लुक के बैठ गए अते देखना चाहती सी क्या सतगुरु उस लभ पाते हैं कि नहीं लभ पाते। सतगुरों ने उस राणी को लभ्या तो इस कौतक को देख के सब हैरान रह गए। गुरु पिता के आदेश की पालना करते हुए अठवीं गुरु नानक जोत गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने वेले के हुक्मराना नूं अपने पास ना आउण दिता। दिल्ली विखे गुरु जी पीड़ित संगतां दा दुख हरदे हरदे 1664 विच 8 साल की उम्र दिल्ली विखे ज्योति जोत समा गए। लेकिन ज्योति जोत समाउण तो पहला संगतां ने पुछया हे सतगुरु अगला गुरु कौन होएगा? तो गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने केवल चंद शब्द कहे अगला गुरु बाबा बकाल और आप ज्योति जो समा गए। जिथे दिल्ली विखे गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह का 5 पोतक शरीर का संस्कार किया गया उथे अज गुरुद्वारा बाला साहब स्थापित है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरु हरकृष्ण साहिब जी के गुरता गति दिवस से अपने वालों इतिहासिक सांझ पा के आप जी को प्यार ते सत्कार प्राप्त कर रही है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।